दरबार साहिब गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह के गर्दन में घुसा कृपाल, गंभीर रूप से घायल अवस्था में भेजा गया अस्पताल। पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह के गर्दन में कृपाल घुस गया, जिससे वो खून से लथपथ तड़प रहे थे। जहां आनन-फानन में उनको इलाज के लिए गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें गंभीर स्थिति को देखते हुए PMCH रेफर कर दिया। बताया जाता है कि ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह बाथरूम गए हुए थे, उसी दौरान उनके गले में कृपाल घुस गया। हालांकि इस मामले में जांच की जा रही है। वहीं गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल के डॉक्टर अलक प्रसाद ने बताया कि ग्रंथी साहब की स्थिति नाजुक है। इसको अस्पताल में लाया गया था, जहां उनका उपचार कर बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्वर्णा रानी के साथ पटना से न्यूज टीम की रिपोर्ट। भाई थोड़ी सी सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी ग्रंथी साहब को, तो हमने देखा ऑक्सीजन और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक और टेटवैक दर्द की दवा और ऑक्सीजन सब लगा के पूरी साफ सफाई करके यहाँ रख, यहाँ इतनी सुविधा नहीं है, इसीलिए हमने PMCH। क्या हुआ था उनको, क्या प्रॉब्लम था उनको? गला की ट्रेकिया कटा हुआ था। अच्छा, तो डीप इंजूरी था। क्या जो भी व्यक्ति, ये तो बता नहीं सकते, लेकिन उनके साथ जितने जो भी आए थे उन्होंने साफ बोला कि कटार से कट गई है, उनके जो बाथरूम गए थे वहाँ पर कटार से ये कट गई। लेकिन जो भी हो, अब आगे की बात है। कहाँ रेफर किए हैं? PMCH सर्जरी में। अपना थोड़ा परिचय दे सर्जरी सर जी, अपना थोड़ा नाम परिचय। डॉक्टर अलक।